हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को मेरा और एक नया ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं जल्दी जागते भी जल्दी नहीं होती हूँ क्योंकि ठंडा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा था तो इसलिए नहीं होती हूँ। फिर चली तो पूरा सुबह सुबह उठ के वो चले गई है भोजन दान करने के लिए, उसका तबीयत ठीक नहीं था फिर भी चले गई है वो। तो अभी मैं पूरा इधर उधर टहल रही हूँ, मम्मी वहाँ पर काम कर रही है तो वहाँ पर जा रही हूँ। और अभी तक मैंने मुंह वगैरह ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं किया, फ्रेश अप नहीं हुआ अभी तक मैं, इससे ही बिना मुंह धुल के इधर इधर उधर कर रही हूँ खेत में। मैं ना जागते ही पूरा सुबह होते ही जागते ही मैं अपना खेत में जाती हूँ, पहले एक बार देख लेती हूँ खेत कैसा हुआ कैसा नहीं, उसके बाद ही मुंह वगैरह काम वगैरह कर लेती हूँ। मौका इतना अच्छा हुआ गया इस मौका, लेकिन छोटा छोटा है, उसका बीज तो पूरा घना आएगा। मम्मी यहाँ पे काम कर रही है सुबह ही सुबह, और यहाँ पे तो मम्मी ने कुछ ये लाई पत्ता कुछ फेंका हुई, और देखो यही फेंका है वहाँ पे बीन्स, और पहले पहले से ही बीन्स वो मम्मी ने लगा के रखी है यहाँ पे। ये वाला मैं देखो, इसमें भी बीन्स है, ये वाला यहाँ पे मकई का खेती, और यहाँ पे बीन्स किया, यहाँ पे आलू बीन्स बीन उस साइड तो बंदा गोभी लगाने के लिए खाली रखा है। और देखो सुबह सुबह ना मैं आप लोगों को भी खेती का नज़ारा दिखाती हूँ, क्योंकि सुबह खेती का नज़ारा देखने से बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा ऐसे सोचती हूँ मैं, लेकिन पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। नहीं लगने से बोल लेना गाइस, अच्छा नहीं लगा करके ना। सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं है, बस ये दो टमाटर है और चटनी बनाऊंगी। और यहाँ पे मैं ड्राइपी चला रही हूँ, यहाँ पे चटनी बना लिया है और धनिया पत्ता दे दिया है, प्याज तो नहीं डाला है, प्याज का पत्ता ही डाल दिया है। और ये चावल खाऊंगी, इतना सा खाऊंगी बस। वीडियो भी क्या बनाऊँ ना दोस्तों, इतना बोरिंग लग रहा है पूरा, बेते बेते मौसमी खा लिया दो इतना अजीब लग रहा है, सुना सुना लग रहा है। देखो ना दुबी इतना तेज है, और ये बस हम दोनों ही हैं यहाँ पे, इतना ज़्यादा गर्मी है और प्लस अच्छा भी नहीं लग रहा है, अजीब सा फील हो रहा है एकदम, ये जैसे लगता है ना घर पर कोई नहीं होने से, पूरा सुना सुना ऐसे ही लग रहा है, पूरा अच्छा ही नहीं लग रहा है मेरा मन। तो चाची को यहाँ पे बुलाया, थोड़ा बातचीत करेंगे, क्योंकि अकेले अकेले पे इतना अच्छा भी नहीं लगता है ना, मम्मी का घर भी जाने के लिए मन नहीं करता, क्योंकि उन लोग फिनो नदी बना रहे ना तंग 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 करके, इसीलिए। तो हम लोग यहाँ से आलू लेके जाएंगे, ये आलू का नाम पता नहीं गया, तो सीमा आलू बोलता है। यहाँ पे मिट्टी पूरा फट गया है, यहाँ पे भी होगा आलू शायद, हाँ है तो। आलू भरा वो देखिए, यहाँ पे तीन तो निकाल लिया है और यहाँ से निकालना पड़ेगा, यहाँ पे भी है काफी सारा।
इतना ज़्यादा मच्छर है गाइस, पूरा घूम रहा है मच्छर, और हम लोग इतना ही लेके जाएंगे, बहुत सारा है, ज़्यादा लेके जाने से भी खा नहीं पाएंगे। आलू वगैरह भी बॉयल हो चुका है, ज़्यादा बॉयल नहीं किया है, थोड़ा सा ही किया है, तो मैं भी थोड़ा सा ही खा लूँगी, क्योंकि मुझे इतना मन भी नहीं कर रहा है, चाचू को वो खाने का मन था, इसीलिए पूरा खोट के बॉयल कर दिया है। और यहाँ पे बहन देख रहा है, उसका जीजू का ही वीडियो देख रहा है, और इधर है चाची। आलू वगैरह तो खा लिया है दोस्तों, इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना मीठा स्वादिष्ट आलू था, थोड़ा सा खाने से ना और भी खाने के लिए मन करता था, तो अभी पूरा खा के फिनिश हो गया। तो हम लोग जा रहे हैं बीन्स लेने के लिए, वो बाबे का घर से ही बीन्स वगैरह तोड़ लेंगे ना, यहाँ पे है जस्ट वो रास्ता का क्या बोलेंगे, आगे में ही है, ये रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा, हम लोग का घर का पास में ही है पूरा। इतना दूली देखो ना, रास्ता भी इतना, रोड भी इतना खराब है, देखो पूरा दूली उड़ते रहता है। तो यहाँ से मैं ज़्यादा नहीं, अकेले हूँ, इतना सा ही तोड़ लूँगी बस। ये देखो गाइस बीन्स, ये बीन्स ना बहुत अच्छा लगता है खाने में, मीठा मीठा टाइप का है, हम लोग एक्चुअली इसको बोलते हैं हेमसुमी भिजी, नहीं हेमसुमी बोलते हैं। और ये आई है कैमरा गर्ल मुझे तो थंबनेल वगैरह या वीडियो शूट करने के लिए, सबसे ज़्यादा मुझे जो बुद्धा बुद्धा टाइप होता है ना वही अच्छा लगता है खाने में।
यहाँ पे भी है ना पूरा वो बीन्स, लेकिन इतना लंबा है, हम लोग तो पूरा कुतिया कुतिया है। ये वाला तोड़ो ना, इतना अच्छा है, ये मोटा मोटा है। तो मेरा हिस्सा अभी यहाँ पर रख देती हूँ। देखो यहाँ पे भी किया है, ये ना बिलेदी सुमी बोलते हैं हम लोग इसको, वो दाल खाते हैं। रस्मा रस्मा दाल बोल रहा है, हम लोग तो बिलेदी सुमी बोलते हैं। पता नहीं, थोड़ा बस इतना ही तोड़ लिया है, अकेले है, पिचली आएगी या नहीं आएगी पता नहीं, वो भी बीमार है ना इसीलिए। शाम के लिए तो मैंने सीम और बीन्स वगैरह मैंने धुन लिया है, और आज फिर से मुझे साग खाने के लिए मन कर रहा है। इतना अच्छा अच्छा लाई पत्ता आएगा, इसे देखो ना, बहुत अच्छा है ये लाई पत्ता, खाने में भी स्वाद। इस बार तो मैं गुंदरुक बनाऊंगी, दो लोगों के लिए कितना तोड़े, थोड़ा सा होने से हो जाता है इतना सा, और थोड़ा सा तोड़ लूँगी, पूरा कराही लेके आ गई हूँ मैं। आजकल ये ट्रैक्टर इतना आना जाना कर रहा है ना, पूरा सुन सुन के मेरा कान ही फक गया है। ये बीन्स में और लाती वगैरह देना है, क्योंकि देखो ना पूरा यहाँ पे जाम हो गया है, लाती नहीं दिया था ना इसलिए इस तरह से हो रहा है। और बीच में गत्ता खोद के भी रखा था हमने, लेकिन इस बार मेरा जो बीन्स का साग है बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ से मैं लाती काट काट के दे दूँगी, क्योंकि पहले से मैंने गत्ता वगैरह खोद के रख दिया है। और देखो मेरा छोटा मोटा खेत, इतना बड़ा भी नहीं कर सकती हूँ ना, तो इसलिए छोटा छोटा ही खेत करती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने फूल गोभी छिड़काया था, और यहाँ पे बंदा गोभी, देखो बंदा गोभी पूरा धीरे धीरे करके निकल रहा है। और ये वाला लाई पत्ता का खेत है, लाई पत्ता का खेत तो पूरा मस हो गया है। देखो इतना बड़ा बड़ा लाई पत्ता हो गया है, यहाँ से मैं तोड़ तोड़ के गुंदरुक बनाऊँगी। अभी तो गुंदरुक वो गुंदरुक बना नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी भी पत्ता वगैरह छोटा छोटा है ना। देखो ना इतना अच्छा हुआ मेरा लाई पत्ता का खेत, और बीस बीस में मैंने उलगोभी वगैरह दे दिया। देखो इतना अच्छा हो रहा है ये सब भी, उलगोभी ये सब। और उस तरफ तो मैंने वो टमाटर का ही किया था, लेकिन धीरे धीरे करके टमाटर का पौधा भी अच्छा हो रहा है। ये बड़ा लाई पत्ता, बड़ा लाई पत्ता जैसा लग रहा है मुझे, शायद हो सकता है ये बड़ा वाला। यहाँ पे देखो इधर ही दिख रहा होगा ना, और ये साफ किया था उस दिन। यहाँ से मैं तोड़ तोड़ में हमेशा सब्जी में ही डालती हूँ, प्याज का पत्ता और लहसुन का पत्ता, वो सबसे लाजला लहसुन ना बहुत अच्छा है, वो बड़ा बड़ा है। और यहाँ से मैं धनिया पत्ता लेके जाऊँगी, और बहन ने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ता यहाँ पे लगाया है। और देखो टमाटर का पौधा भी, कुछ दिनों में मैं टमाटर खाऊँगी, क्योंकि फूल निकल गया टमाटर भी निकल जाएगा। मैं हर सब्जी में ना ये धनिया पत्ता डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है धनिया पत्ता का खुशबू, बहुत मस्त लगता है, चाहे जो भी सब्जी हो। मक्का भी धीरे धीरे करके बुद्धा हो रहा है, देख ले तू हो गया ना नहीं हुआ है, मेरे हिसाब से तो अभी नहीं होगा। हाँ अभी भी छोटा छोटा है, देखो ना। हाँ कुछ दिनों में हो जाएगा। अभी धीरे धीरे करके पूरा शाम हो रहा है दोस्तों, देखो थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा रहा है। और यहाँ पे मैं बीन्स बनाऊंगी, पूरा आग जला लिया है, क्योंकि चूल्हा का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ना, इसलिए चाहे तकलीफ हो, हाथ गंदा हो, फिर भी मैं चूल्हा पे सब्जी वगैरह बनाती हूँ। और यहाँ पे है बीन्स, इसको अच्छे से वॉश कर दिया है। और ये देखो धनिया पत्ता भी, धनिया पत्ता डालने से और भी ज़रा स्वाद बढ़ता है। और यहाँ पे रख दिया मैंने ड्राई फिश, मिर्च का चटनी बनाने के लिए, साग तो बना लिया है, बस बीन्स ही बाकी है बनाना।
सब्जी तो बन ही रहा है और अभी तो पूरा रात भी हो गया ना दोस्तों, और आप लोग साथ ये वीडियो देख के भी बोरिंग लगता होगा क्योंकि मैं बार बार यही वीडियो बना रही हूँ, खेत का ही वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ना गाइस मैं इधर उधर भी जा नहीं सकती हूँ, तो इसीलिए मुझे घर पे बैठे बैठे ही वीडियो बनाना पड़ेगा। खेत का वीडियो में वही काम करती हूँ और वही दिन में मैं जो करती हूँ वही आप लोगों को दिखाती हूँ, और दिन में क्या क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, ये सब मैं आप लोगों को ही दिखाती हूँ। और मैं इधर उधर तो घूम नहीं पा रही हूँ, तो इसीलिए आप लोग जब तक बैतूल नहीं आएगा तब तक मेरा खेत का वीडियो से ही इंजॉय कर लेना ना, बोरिंग लगे ना तब भी देख लेना, मेरे लिए देख लेना दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा ना, क्योंकि आप लोग मेरा एक यूट्यूब का फैमिली है और आजकल मैं इतना भी रिप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी रहती हूँ, दिन में काम करती हूँ, थक जाती हूँ, कभी कभार तो मैं वीडियो में नहीं उतरती हूँ काम करते समय, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाते हैं ना कि एक ही काम को कितना बार बार दिखाई, और एक ही बार में तो काम वगैरह कहाँ ख़त्म नहीं हो जाता है, इसीलिए करना ही पड़ता है ना। और अगर खेती नहीं करेंगे तो सब्जी अगर खेत नहीं करेंगे तो बाजार से भी खरीद के कितना खाए ना, और अपना खेत से सब्जी तोड़ने खाने का अलग ही मज़ा, ऑर्गेनिक वाला सब्जी तो बहुत अच्छा लगता है, और तोड़ते समय भी और खाते समय भी अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है ना अपना खेत का सब्जी। और अभी तो फिलहाल खाना ही बना रही हूँ क्योंकि खाना तो पड़ेगा ही, और बेचारी पिचुली का भी तबीयत बहुत ख़राब है, बीमार है क्योंकि वो कल्चर प्रोग्राम में गई थी रात को, तो ज़्यादा देर तक भी नहीं रहा, 11 बजे तक रहा, फिर इसको सर्दी हुआ, ऐसे भी मौसम बदलते रहता है ना, मौसम बदल रहा है इसीलिए इसका तबीयत ही ख़राब हो गया, सर्दी हो गया, गला दर्द करता है, ख़राब हो गया गला उसका, बुखार है, प्लस आज स्कूल भी जा नहीं पाई है, फिर भी मेरा साथ वो रे निकले आती है, तो वीडियो को भी एडिटिंग करना है और एडिटिंग करके अपलोड भी करना है। तो गैस अगर मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगे फिर भी देख लेना, तो कमेंट भी कर देना गैस, शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, तो मिलते हैं गैस नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट गैस, लव यू।